मैं इस चीज़ से मैं गुजारिश करूँगा कि आप यहीं तशरीफ रखिए, आपको हम कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, दो सेगमेंट हमारे इस प्रोग्राम के, एक वोकल और दूसरा हमारा सोलो बीट या रिदम या तबला। तो एक अनाउंसमेंट मेरे पास पहुंची है कि अगर आप रमनीक सिंह जी हैं उनकी अगर आप सीरीज लेना चाहें तो यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइस मैं नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि ये कहा गया है इसको सीधा राज में रखना है, तो प्राइस बहुत माकूल है। आप प्रोग्राम के बाद इसको परचेस कर सकते हैं। धार्मिक भी है और दूसरा क्लासिक की मौसीकी के हवाले से भी उनके पास सीरीज है, तो प्रोग्राम के बाद आपको आप ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम आज की जो साजोवाज की शाम है जहाँ पे क्लासिक की मौसीकी से प्यार करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे सुनने वाले लोग भी आज की इस महफिल में। जवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं कितने बैठ गए। अच्छा, तो बात यह कि ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे जो स्पॉन्सर्स थे उनमें फ्रोटेक्स ब्लॉग, मिस्टर मनदीप सिंह, रीमैक्स के राजगिल और हैरी धाड़ीवाल, एक क्लास ड्राइविंग स्कूल से गुरदीप ढिल्लो और जसप्रीत ढिल्लो, पॉल ऑटो रिपेयर से मिस्टर इंदर पॉल, और मीका ट्रकिंग लिमिटेड से मिस्टर जैस्मिन, अल्फा डिजिटल फ्रूटी कैनेडा से बलजिंदर जी और पी एस मांगट, भाटिया क्लॉथ हाउस सबवे, और इसके साथ साथ हमारे जो मीडिया स्पॉन्सर में हैं, स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा संदोख सिंह जी और राजेंद्र जी साउंड इंडस्ट्री से, और चकदे टीवी सफम रेडियो से मिस्टर जलाल, रेड एफएम कैलगरी और सिख विरसा, एशियन मैगजीन टेलीविजन और चकदे टीवी तो हो गया, उसके बाद मेरे बहुत प्यारे दोस्त पहचान रेडियो से जमाल राजा साहब के लिए। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तुमसे फरोग हुस्न है हमसे फरोग इश्क, तुमसे फरोग हुस्न है हमसे फरोग इश्क, तुम अपने घर के चांद हो हम अपने घर के चांद। और एक ऐसा चांद आज के इस प्रोग्राम में जिसने अपने रिदम की वजह से, अपने रिदम की चांदनी से पूरी दुनिया को रोशन किया, इस शाम ने उस घराने में आग खोली जो क्लासिक की मौसीकी के हवाले से बड़ा पॉपुलर नाम था पाकिस्तान। इनके वालिद गिरामी जो हैं वो वोकलिस्ट थे क्लासिकल के हवाले से। 14 बरस की उम्र में उस्ताद शौकत हुसैन साहब की शागिर्दी से आगे, 17 साल की उम्र में तबला मास्टर मियां कादर बख्श साहब की बरसी पे पहली दफे में सोलो परफॉर्मेंस दी। पहले पाकिस्तानी जिनको एशियन अमेरिकन हेरिटेज अवार्ड मिला, जिन जिन रसल गायकों के साथ उन्होंने तबला प्ले किया, जिनके साथ उन्होंने संगत की, जहां उनको पजीराई मिली, उनसे पढ़ के उस्ताद तारिका साहब को भी पजीराई मिली। ये सफर ऐसा चला कि लाहौर में पैदा होने वाला बच्चा रिदम की हवाओं पर सफर करता हुआ एक तन आवर तरफ बन गया और पूरी दुनिया इसकी भुलाया छाओ में बैठ रही है। बादशाह गजल जनाब उस्ताद मेहंदी हसन नासर और उस्ताद शौकत हुसैन साहब के हो रहा शिगिर्द, आपकी बहुत सारी तालीम में मैं दावत देने जा रहा हूँ। गायकी बहुत अच्छे हैं और तबला नवाज तो कहते हैं, बहुत सारी तालीम में जनाब अब्दुल सत्तार तारी। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू फर्स्ट हरजीत सिंह साहब
कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों के खिदमत का मौका दिया है, और इसके साथ जिन भी लोगों ने, और सर्बकाल एकेडमी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑल द मेंबर्स का थैंक यू बोलता हूँ, और इसके साथ जिन लोगों ने बहुत मोहब्बत और प्यार और जज्बे से मुझे बार बार फ़ोन करके बातें करते रहे, उसमें मेरा शागिर्द है यहाँ कैलगरी में ज्योति सिंह और हरप्रीत सिंह, वो चाहे मेरे बच्चे हैं कुछ भी हैं, मगर उनका भी शुक्रिया। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू जो लोग आउट ऑफ टाउन से आए हैं, कुछ लोग टोरंटो से, एडमिंटन से और वैंकूवर से गेस्ट आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दोस्त भाई मोनी सिंह साहब, वो कैलिफोर्निया से इस कॉन्सर्ट के लिए आए, उनका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया। और आप सबका शुक्रिया कि जिस मोहब्बत और प्यार से आप बैठे हैं, बस सुन रहा था कि आर्टिस्ट की वज़ीर आई, आप लोगों को करना आती है जिससे आर्टिस्ट का रूह लगता है। मैं बहुत साल पहले शहनशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहब के साथ यहाँ कैलगरी में हाज़िर हुआ था, और वहाँ ही मुझे पता चल गया था कि कैलगरी में म्यूज़िक लवर हैं और वो जानते हैं कि म्यूज़िक कैसे सुनना चाहिए। और मुझे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, और आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ग्रेट मास्टरो सरंगी नमाज जनाब पंडित रमेश मिश्रा जी तशरीफ़ फरमा हैं, किसी इंट्रोडक्शन के, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, और इतने सुरीले आर्टिस्ट हैं, इनका हाथ इतना सुरीला है, मैं खुद इनका बहुत फ़ैन हूँ। और बिग एंड फॉर इन बिग, मैंने कभी भी इनको मधु किया, बुलाया, दावत दिया, इन्होंने हमेशा अपना कीमती टाइम निकाल कर तशरीफ लाए और हमेशा मेरी हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई की। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिग एंड फॉर उसका पंडित रमेश मिश्रा। और जितने भी फनकारान आर्टिस्ट तशरीफ़ फरमा हैं, म्यूज़िक लवर, म्यूज़िक को करने वाले, उनका भी शुक्रिया। तो आपकी खिदमत में मैं इस वक्त 3 ताल पेश करता हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत सारी फरमाइश हैं कि जी हमें कहरवा भी सुनना है। मैंने कहा बाद में भाई, तो वो भी सुनाऊंगा। अच्छा, आपने भी सुनना है, देखिए। जी मैं हाथ पेश करूँगा, तो आपकी खिदमत में 3 ताल पेश करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आपका मेरी हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू सो मच। सब ठीक है। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम चाहूंगा। आई लाइक टू डू, आई नीड वॉल्यूम प्लीज लिटिल बिट। आई हैव रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज। Yes. शुरू करें जी।
क्या बात, ये कुछ माशाल्लाह सब सुरील लोग बैठे, कुछ स्पिरिचुअल हस्तियां भी तशरीफ फरमाए हैं यहाँ, उनका भी मैं तहे दिल से मेरी शुक्रगुजार हूँ। वाह क्या बात, वॉल्यूम प्लीज बंद हो गया। Can you open the monitor please? Sound is coming in nice monitor. Thank you.
फीडबैक इज कमिंग। Thank you very much. What audience? जब ऐसी audience मिलेगी तो artist का क्यों ही rule लगेगा? Thank you very much.
लाजम सुई है, थोड़ी सी ट्रिकी है, तेरी पर की है ये सही। रेपिटेशन होती है तो मुश्किल पड़ती है। Get it.
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है रमेश का, ये नहीं का काम है बैंड के साथ या सर इसके लिए, तो क्या बात, क्या ही पीछे पीछे कितना देर। कहना चाहूँगा कि ऐसे तिहाई के हिसाब बहुत कम लोग बजा पाते हैं, क्या क्या जगह से तिहाइयाँ आती हैं। यह मोहब्बत है कि प्यार है, उसका दाम खतरनाक था, आम नहीं है।
क्या बात है शुभेश। ट्राई करता हूँ। साउंड है वो उसका जो हिस्सा होता है वो जहाँ उंगलियों का नहीं है वो पंप का होगा यहाँ ले उसका जो साउंड है वो जैसे कबूतर होता है
फड़फड़ करते हैं, उसका साउंड आ रहा है, उंगलियों का नहीं आ रहा है, उंगलियों का आएगा तो वो टिट टिट हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। कायदे में मोहब्बत और प्यार की जाता है, उसका बढ़ा जाता है, उसको रफ तरीके से बजाना नहीं चाहिए। गत में जो होती है वो ताने होते हैं, उसको जोर से बजाना चाहता है, मगर गत में नाजगी रहती है, तो ये इसकी नाजगी पेश कर रहा हूँ। दादी के नदा के दादी 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 के
यू आर द जज। जो नीचे बजाया जाए उस पर बही पानी नहीं होनी चाहिए, अगर कितनी भी स्पीड हो। Thank you.
का काम है। बिग अनफॉर्चुनेट प्लीज
Thank you.
शुक्रिया बहुत बहुत, हमें पता आप लैस समझ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, मगर एंजॉय करें।
के मुताबिक मैं 10 मिनट में मुझे कैरवे की फरमाइश है, प्लीज बी सीटेड, ये स्वीडिश समझ लीजिए। और अतिश्य प्रभु, आपकी खिदमत के लिए आया हूँ तो मैं दिल से मोहब्बत से, जैसे आप मोहब्बत से तशरीफ लाए हैं और इतना इज्जत और मान दिया है, इसी तरह मैं भी अपनी मोहब्बत का जो इजहार है मैं लफ्ज़ों से नहीं अपने फ़न से कर रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत मेहरबान। एक दफ़ा फिर पंडित जी को एक दफ़ा क्लैप दीजिए। बिग एंड साहब, इजाजत है जरा जी। हाँ, ये रचा हुआ है, अच्छा कानों में अच्छा लग रहा है। तानपुरा तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहरवे का आइटम पेश करता हूँ। एज यू नो, वेयर वी गो टू ट्रैवल द वर्ल्ड, देयर्स डिफरेंट लैंग्वेज, बट म्यूजिक हैज ओनली वन लैंग्वेज। दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पर म्यूजिक की जुबान एक ही है, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि स्टाइल चेंज होता है। तो वो कैसे होता है, इट्स माई ओन क्रिएशन। ये आइटम आपकी हौसला अफजाइयों से, दुआओं से बहुत ही दुनिया में पॉपुलर हुआ, आपकी हौसला अफजाइयों से, आपकी दुआओं से। तो इसको देखना ये है कि हम ट्रैवल करेंगे विदाउट टिकट। यहाँ से हम कैलगरी से पंजाब से शुरू करेंगे ट्रैवल। पंजाब बैठा है यहाँ, बहुत खुशी हो रही है। तो हमारे पंजाब का कल्चर क्या है, हमारे फूड बिट्स जो कहरवा है उसको हम कैसे इन्जॉय करते हैं। वहाँ से हम पंजाब से सीधा फिर हम बल्ट ट्रैवल करेंगे, वहाँ से हम ट्रैवल करेंगे मिडल ईस्ट जाएंगे। तो वही टेम्पो, वही रिदम, उनके रंग में, उनके स्टाइल से वो अपने दफ में कैसे बजाते हैं, मिडल ईस्ट वाले कैसे बजाते हैं, यूरोप वाले वेस्ट में जब कहरवा हो, जिसको हम डिस्को बोल देते हैं, वो भी फोर बीट्स कहरवा ही है, उनका सिर्फ स्टाइल चेंज होता है, वह कैसे है। और इस तरह से कैलगरी में आ जाएंगे तो कैलगरी का क्या स्टाइल है, और यहाँ से फिर हम सीधा विदाउट फ्लाइट, वैसे फ्लाई करके हम ख्यालों में, थिंकिंग में हम अफ्रीका भी जाएंगे। तो अफ्रीका का क्या स्टाइल है, तो वो बजा कर फिर मैं एंड में ये आइटम ख़त्म करूँगा। मगर पहले मैं पंजाब का बजाऊँगा, उसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि आप सब समझदार लोग बैठे हैं, आई जस्ट वांट टू डू सम वेरिएशन बाई वेरिएशन एंड क्रिएशन। तो आप उसको एंजॉय करेंगे कि कहरवे की कैसी कैसी चालें हो सकती है। चीज़ तो वही है, ये वही है, जैसे एक आर्टिस्ट कलर भरता है, पेंटिंग करता है, ये आर्ट भी वैसी है कि उसमें कलर कैसे भरना है। आपकी खिदमत पेश करता हूँ जी। हुक्म कीजिए। आदाब, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अंकल जी यहाँ तशरीफ फरमाए, हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं, ये हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। हुक्म कीजिए, हुक्म करें जी आप। ओहो, अच्छा जी, कहीं क्लासिकल वाले ना नाराज़ हो जाए ना कि पता नहीं किस तरफ जा रहा है ये। क्लासिकल तो मैंने बहुत बजा दिया, मगर मैं दुनिया को और मास्टर्स का भी तबला पेर हूँ। मैं लोगों को भी प्यार, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको मोहब्बत करता हूँ, मैं हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। तो ठीक है, मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल जी, मैं आपका हुक्म, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एक मेरा बहुत पॉपुलर आइटम था और बहुत देर लोग सुनते रहे कि ट्रेन कैसे चलती है, तो वो फिर मैं छोड़ गया कि लोग समझेंगे कि पता नहीं ये बंदा ट्रेन ही बजाता है। मुझे काम का इंजन का कंडक्टर समझना शुरू कर देंगे। तो पेश करता हूँ आपके हुक्म से, इन्होंने एक आइटम और, मैं आपके ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पेश करता हूँ। तो जी, थैंक यू, थैंक यू। तो कहरवा जो है हमारे पंजाब का,
चढ़ा हुआ आज। इसकी थोड़ी सी मैं आपके लिए वेरिएशन और क्रिएशन करता चला जाऊं कि चीज़ तो वही है, अब इसमें कुछ वैरायटी डालता जाऊंगा, चीज़ वही है।
अब कंट्रीज का मैं स्टाइल सुनाता हूँ, बस चार पाँच मिनट। तो कंट्रीज का स्टाइल जो है पंजाब का तो आपने सुन लिया, डांस के साथ हमने देखा होगा कफों का स्टाइल, तो वो क्या है
आप बुजुर्गों की फरमाइश है, दो मिनट ट्रेन सुना लें। यह पुराना एडमिश है, कुछ लोगों ने सुना, मैं शॉर्ट करके पेश करता हूँ कि ट्रेन कैसे चलती है। ओल्ड इंजन है, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं, जो बहुत पुरानी क्रिएशन है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाइश की है, हमें इनका हुक्म मानना है, इनका आशीर्वाद लेना है। तो कैसे वो ट्रेन चलती है? थैंक यू। तो ट्रेन जो ओल्ड इंजन है, स्टीम इंजन, वो कैसे चलता है? युवा प्रचार, ट्रेन जब फास्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता, तो सिर्फ मैं इंजन का असर ले रहा हूँ कि इंजन की स्पीड कैसे बढ़ती है। हमारी बहुत पुरानी क्रिएशन है, लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, फिर मैं छोड़ गया, पर कभी कभी फरमाइश आती है तो फिर सुनाना पड़ता है। इस बार इंजन कैसे फास्ट होता है, और जो पिछले हम बुगियों में बैठे हैं वो क्या अफेक्ट है, वो अलग अफेक्ट है, डिफरेंट है, वो क्या है? तो ये मिल के कैसे बढ़ते, ट्रेन जब फास्ट होती है तो टनल से कैसे गुजरती है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज होती है जिसको बोलते कांटा बदल गई, और दरियागंज से कैसे गुजरती है, थैंक यू वेरी मच, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खड़ी कैसे होती है। बस दो मिनट इंजन चले, क्या महसूस करते हैं जब लाइन के, जब ट्रेन के पहिए लाइन से टकराते हैं तो एक रिदम बनती है, वो क्या है पता नहीं। आप ट्रेन सुनकर सोचेंगे कि आज मैं ट्रेन में, मतलब रेलवे में मुलाजिम रहा हूँ, बड़ी सच है। तो पिश करता हूँ, ये तो इंजन है, इंजन शोर में जा रहा है, बोगिया जल्दी से चला जाता है, वो जल्दी वाला काम नहीं। मैं तो दिल चाहता है सारी रात आपके साथ बैठे, और इतने मोहब्बत से अजीत भाई ने सब लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं
पूरी खिदमत करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस दो मिनट और। अच्छा आपकी स्पीड में ट्रेन जा रही है, मैं इंजन पर जा रहा हूँ, ये देखने की बात, इंजन पर जा रहा हूँ कि इंजन की इस वक्त क्या पोजीशन है, बहुत तेज जा रही है ट्रेन, इंजन का इस वक्त क्या फंक्शन है, क्या अफेक्ट है उसका, और लय उसकी भी वही है, तो मैं इंजन पर जाऊंगा, आप देखिए कि इंजन क्या कर रहा है, और फिर वापस मैं बोगियों पर आ जाऊंगा, अंदर आकर बैठ जाऊंगा। वहाँ पर शोर ज़्यादा मचता है, गंभीर होता है, मतलब होता टैंकों में, क्योंकि नीचे तो जमीन नहीं है ना, नीचे तो दरिया बह रहा है, तो वहाँ बड़ा गंभीर ढूम ढम करके होता है, वो लैब में जैसे होता है उसका बैठते हैं। उसके बाद ट्रेन फॉर्म खड़े कर दिया, गाड़ी नहीं है जिसको हम जल्दी से ब्रेक मारते हैं, ये कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल से ट्रेन में ऐसा कंट्रोल करते हैं कि 2-3 माइल से किलोमीटर से कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आसानी से खड़ी हो जाए, उसको जल्दी से ब्रेक नहीं मारते। उसकी स्पीड में कमी कैसे आती है, स्पीड कम कैसे होती है, जब पता ना चले कि कम हो रही, एकदम कम नहीं होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, और वहाँ स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आती है, और जब पहिए लैंड से टकराती है तो एक चीख निकलती है ब्रेक लगने की, वो भी मैं लगाता हूँ। आपकी खिदमत में ये पेश है। आप
बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम सुनने वालों को, जिस मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपने तारिक खान साहब का तो प्यार है ही, लेकिन उससे बढ़ के आप लोगों का प्यार है, आप तशरीफ रखिए। तो ये कि प्रोग्राम हमारा तकरीबन खत्म होने के करीब ही है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि अभी अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें, अगर आप अभी चले जाएंगे तो फिर तारिक साहब के साथ भी ज्यादती होगी हमारे साथ भी, तो इसलिए तशरीफ रखें आप। और अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे दोस्त हैं जमाल राजा साहब, कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बात पर क्या कहना चाहते हैं आप, गुजारिश करूँगा तशरीफ लाइए। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब जमाल राजा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि आज की शाम के जो एमसी थे सजाद नजर साहब के, इनको भी सराइए, इनको भी प्लीज़ गिव अ बिग हैंड।